क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है सम ऑफ 8,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू 9,261 इन अ सर्टेन टाइम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द डबल द अर्लियर रेट ऑफ द इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बोल रहे हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर से दुगनी दर पर, मतलब पहले जो ब्याज की दर थी 10%, उसकी अब दुगनी दर पर, ठीक है। 10% वार्षिक दी है यहाँ पर, तो उसकी दुगनी यानी कि 20% वार्षिक की दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाए। अगर ब्याज को क्या कर रहे हैं, वार्षिक आधार पर संयोजित करें तो आपको ब्याज बताना है कितना होगा। देखिए ब्याज की दर आपके पास दी है, छमाही रूप से संयोजित कर रहे हैं और उतनी ही अवधि की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको समय निकालना है केवल यहाँ पर। तो समय कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। हमें मूलधन दिया है, हमें क्या दिया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया है। कितनी राशि थी, तो आप कहेंगे सर 8,000 रुपये की राशि थी। मिश्रधन दिया है, मिश्रधन मतलब वो कितनी हो जाती है, अमाउंट कितना बन जाता है, तो आप कहेंगे सर 9,261 बन जाता है। अगर हम आपसे बोलें कि दर कितनी दी है, तो दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो आप कहेंगे 10% है। लेकिन कैसी संयोजित हो रही है ये, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज की को छमाही आधार पर संयोज कर रहे हैं। अब अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो आपको पता है दर आधी हो जाती है, तो यहाँ पर ब्याज की दर क्या रही होगी, 5% रही होगी। कितनी रही होगी, 5%। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर उतनी ही धनराशि यानी कि उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर से दुगनी दर पर, पहले जो ब्याज की दर थी 10% वार्षिक, उसको आप हाफ ईयरली संयोजित कर रहे थे, लेकिन अब वार्षिक संयोजित करना है, लेकिन ब्याज की दर को दुगना करना है, यानी कि 20% लेना है। वो सेकंड केस है, हम उसको सेकंड केस को अभी समझेंगे। पहले हमें क्या करना है, हमें समय निकालना है कि 8,000 रुपये की राशि 9,261 5% वार्षिक दर पर कितने समय में ये क्या होगी आपकी, कितनी छमाहियों में, कितनी छमाहियों में अगर हम बात करें कि 9,261 हो गई, तो पहले वो छमाहियाँ हमें निकालनी है, फिर छमाही को हम किस में बदलेंगे, साल में, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले मिश्रधन का, हम मूलधन से अनुपात बनाते हैं, मिश्रधन का हम मूलधन से अनुपात बनाते हैं, यानी कि अमाउंट टू प्रिंसिपल का हम रेशियो तैयार करते हैं। तो ये आप देखिए 9,261 रुपये की राशि थी, ठीक, 8,000 रुपये की राशि 9,261 रुपये हो जाती है, कितने साल में हो जाती तो नहीं पता। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 5% को आप लिख सकते हैं 1/20। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 1 यहाँ पर ब्याज है और 20 यहाँ पर क्या है, मूलधन है। तो अगर मूलधन है, तो अगर हमें मिश्रधन और मूलधन का अनुपात यहाँ से बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, आपके पास आपको अगर अमाउंट टू प्रिंसिपल यानी कि मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बनाना है, तो 20 में ब्याज को जोड़ दीजिए, यानी कि 21/20। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 20 रुपये की राशि एक साल में कितनी हो जाती है, 21 रुपये हो जाती है एक साल के अंत में। तो यही 20 रुपये की राशि कितने साल में, कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो अनुपात है ये पहले साल का है, 21/20 का अनुपात ये पहले साल का है, तो कितने साल में ये जो मिश्रधन का मूलधन से अनुपात है 9,261/8,000 हो जाएगा। तो हमने बोला सर ये एन साल में हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे सर, ये एन साल में हो जाएगा, वैल्यू कितनी है, एन समय में हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 21/20 ये एन साल में ये अनुपात किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9,261/8,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जानते हैं 9,261 होता है 21 और ये होता है 20 की घात कितनी, 3, ये क्यूब्स होते हैं, तो 21/20 की घात कितनी हो गई भाई, तो ये आपका n है, आधार समान है तो घातें भी बराबर, तो n बराबर कितना हो गया, 3। लेकिन ये 3 क्या है, छमाही, 3 क्या है, छमाही है, 3 छमाही है, मतलब अगर हम इसको साल में बदलें तो यानी कि 1.5 साल, 1/2 वर्ष, तो हमारा समय कितना आया, 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष वो समय निकल आया। अब समय क्यों निकालना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला है उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर से दुगनी दर पर
उतनी ही अवधि के लिए, तो वो अवधि हमें चाहिए थी। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाए। अब वार्षिक आधार पर संयोजित करना ही हमारा सेकंड केस है। अभी सेकंड केस है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए आप। सेकंड केस है तो अब सेकंड केस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम दर की बात कर लें कि दर कितनी है। तो आप कहेंगे दर है 20% वार्षिक। मूलधन कितना है, अगर हम मूलधन प्रिंसिपल की बात करें तो वो आपका 8000 ही है, ठीक है। समय कितना है, अगर हम समय की बात करें तो समय इन्होंने बोला है वही 1.5 वर्ष, उतनी ही अवधि के लिए, यानी कि 1.5 वर्ष, 3/2 वर्ष के लिए, 3/2 वर्ष के लिए, ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। ब्याज की दर 20% हो गई। अब आप क्या करेंगे, तो आप देखिए इसमें आप ट्री मेथड लगा दीजिए। मूलधन आपका कितना है 8000, ब्याज की दर कितनी है आपकी, तो आप 2 साल का निकाल लीजिए, चूँकि आपको निकालना 1.5 साल का है, तो पहले साल का ब्याज तो पूरा निकाल लीजिए 20% के हिसाब से, और दूसरे साल का जो ब्याज आएगा आपका उसको आप आधा कर दीजिए, बस जोड़ दीजिए, तो आपका 1.5 साल का टोटल ब्याज आ जाएगा। तो 8000 का 20% की अगर हम बात करें तो परसेंट से 8000 का पहले आपको 20% निकालना है, फिर आपको यहाँ भी 8000 का 20% निकालना है, तो परसेंट से तो 0 कैंसिल और 4 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा 400। तो 400 ब्याज यहाँ मिला और 400 ब्याज आपको यहाँ मिलेगा मूलधन पर। अब इस 400 का भी ब्याज मिलेगा कितना, 20%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 20% परसेंट से तो 0 कैंसिल, 4 × 8 यानी कि 80। अब देखिए ये पूरा तो 1 साल का ब्याज हमें लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ से 1 साल का नहीं लेना है, आधे साल का लेना है, तो ये कितना हो रहा है 480, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 480, इसका आधा कर दीजिए तो आधे साल का ब्याज आ जाएगा, क्योंकि 1.5 साल का ब्याज चाहिए 3/2, तो 2 × 4 ये 40 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 40 हो गया। अब अगर आप बाप बताइए कि भाई 20% की बात कर रहे हैं, मूलधन की बात है और यहाँ पर 1.5 साल की बात है केवल, छमाही रूप से दी थी तो हमने छमाही को 3 छमाही मतलब 1.5 साल होती है भाई, तो यहाँ पे आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ऐसा क्यों है तो अपन वो समझ लेते हैं। क्योंकि 8000 का अपन ने 20% निकाला तो आपका कितना आया 400, तो 660 आंसर निकल रहा है इस हिसाब से, तो 20% ब्याज की दर है, क्योंकि उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर से 2 गुनी दर, तो पूर्व की ब्याज की दर से हमने 2 गुनी कर दिए, 2 0 से 2 0 करा, 4 × 8 नहीं 4 × 8 नहीं 8 × 16 होना था, चलिए सॉरी ये 8 × 16 होना था, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, इसको दोबारा से कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 20% गलत निकाल दिए यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखना लेकिन आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आपको समझने के स्टेट में आप, परसेंट से 2 0 कैंसिल, 8 × 16 हो जाएगा, कितना 1600 ब्याज आएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 1600 ब्याज आएगा। अब इस 1600 का भी 20% लगेगा ब्याज का ब्याज, तो परसेंट से 2 0 कैंसिल, 16 × 32 यानी कि 320 हो जाएगा। तो ये जो टोटल ब्याज आया ये कितना आया, तो आप कहेंगे सर ये 1920 आया, लेकिन पूरा 1 साल का ब्याज है, हमें तो आधे साल का चाहिए, तो इसको आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12 यानी कि 960, 960 ये हो गया आधे साल का ब्याज, और 1600 ये हो गया आपका पूरे 1 साल का ब्याज, तो टोटल 1.5 साल का ब्याज कितना बना, तो 1600 में आपको क्या जोड़ देना है, 960 जोड़ देना है, तो ये 0, ये 6, 9 × 6 = 15 = 5, आंसर में 1, तो 2560 रुपये कुल ब्याज आपका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 2560, किस ऑप्शन में दिया है 2560, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है, ठीक है, चलिए छोटी सी कैलकुलेशन हो गई थी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कभी ऐसा हो जाए तो आप उसके लिए देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड सी सेल्स इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 8%। इफ डी बायज इट 4 rupees 248.40, then what is the difference between the losses incurred D, Y, A and C? Incurred Y, A and C. इन्होंने बोला है कि A 20% की हानि पर B को कोई वस्तु बेचता है, B इसे 12.5% के लाभ पर C को बेचता है और C इसे 8% की हानि पर D को बेचता है। यदि D कर लेना, ये का नहीं है यहाँ पर, क्या कर लेना है D, यदि डी से इन्होंने लिखा हुआ है डी वाइज इट, डी से 248 रुपये 40 पैसे में खरीदता है, तो
तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, ए और सी को जो हानि हो रही है उनके बीच में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि ए के लिए वो वस्तु कितने की है और सी के लिए वो वस्तु कितने की है, ठीक है, और कितनी कितनी उनने हानि पर बेचा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बात करेंगे कि ए ने इस वस्तुओं को कितने में क्रय किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में क्रय किया। तो हम ए के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे कि ए के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो ए के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना कितना है, एक्स है। अब एक्स है तो ए क्या कर रहा है, 20% की हानि पर किसको बेचता है, बी को बेचता है। तो अब अगर ये 20% की हानि पर किसको बेचता है, बी को बेचता है, तो बी ने इसको कितने में खरीदा होगा, एक्स के 80% में, क्योंकि भाई ए ने 20% की हानि पर बेचा। एक्स अपने आप में 100%, उसका 20% निकाल कर आप माइनस करेंगे तो उसका 80% ही बचेगा। तो बी ने इसको खरीदा एक्स के 80% में। अब बी से 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। तो अब देखिए, अब सी क्या, बी क्या करता है, सी को बेचता है, यानी कि 80% ऑफ एक्स तो ऑलरेडी था और इसका वो 12.5% लाभ लेता है, यानी कि 112.5%। इतने में उसने किसको बेचा, सी को बेचा। तो ये बी का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन सी के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। अब सी क्या करता है, 8% की हानि पर इसको डी को बेचता है। अब सी ने फाइनली क्या किया, इस पर 8% की हानि ली और किसको बेचा, डी को। तो अब हम कहेंगे कि 80% ऑफ एक्स इंटू एक्स बाद में लगा देना, पहले परसेंटेज वाली वैल्यू सारी लेके दे रहे, तो पहले एक्स आप बाद में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप करिए इस तरीके से कि 80% इंटू 112.5% और इनटू कितने, इसने 8% की हानि, 8% की हानि मतलब भाई इसने खरीदा इतने में था, तो ये अपने आप में 100%, तो इसने 92%, यानी कि 92% ऑफ एक्स ये डी को बेचा। तो डी ने फाइनली इतने में खरीदा। अब डी ने फाइनली इतने में खरीदा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, 248.40 के बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी, और जब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो हमें किसका अंतर बताना है भाई, हमें हानि बतानी है कि किसको कितनी हानि हुई। तो हम यहाँ से सी का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसने लाभ कितना लिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, तो ए और सी को तो हानि हुई नहीं है, ए एंड सी लॉसेज, तो सी ने तो लाभ कमाया भाई, तो ए और सी को तो हानि हुई नहीं है। देख लेते हैं कि ए और सी के बीच में अंतर कितना है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 80%, अच्छा 80% को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 80% को आप क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शनल फॉर्म लिखिए इसका 80% का। तो आप कहेंगे सर ये 4/5 होता है 80%। अब बात करें इनटू में, 112.5% है, तो 112.5% को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंट का साइन हटाइए और एक दशमलव हटाइए, 25 से 25 चौको 100, 12 बचा तो 25 पंजे 12 बचा तो भागना सम 0 और 25 पंजे 125, ठीक है। अब फिर 25 चौके 100, अभी कितना बचा भाई, 25 चौके 100 10 40 बचा आपका, भागना सम 0 तो ये आपका 400, ठीक है, 25 चौके 100 तो ये आपका 400 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 45 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो सब कुछ गड़बड़, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार में प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हमने 25 से काटा तो 25 चौके 100, तो कितना बचा 12, तो 5 लग गया तो कितना हो गया 125, तो 25 चौके 100 25 पंजे 125, और नीचे आपका बचा 25 चौके 100 40, 5 से काटा 5 9 45, 5 8 40, यानी कि 9/8 है ये 112.5 कितना है 9/8, तो ये आपका 9/8 हो गया इनटू 92%, 92% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 92/100 करेंगे, तो ये आपका किससे कट रहा है, 4 से, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 12, यानी कि 23/25, तो ये कितना हो गया आपका 23/25, और बराबर में इनटू में पहले तो x है, इनटू में क्या है, पहले x है, तो इनटू में आपको x लगाना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर x से बराबर में कितना है आपका, 248
0.40, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसमें से ले तो 25 चौके 100 और 4 से ये दो बार कट जाएगा, 2 से ये दो बार कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू कितनी बची, तो आप देखिए 2 से अभी भी कट रही है ये वैल्यू, तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये आपकी फाइनल वैल्यू आई। अभी अभी आप देखिए 9 से भी कट रहा है ये, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 से कट रहा है तो 9 से काट दीजिए। तो आप कहेंगे सर 9 एकम 9, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 तीस 27, तो 7 बचेगा 9 आठ 72। अब देखिए 23 से 6 बार कट रहा है, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो आपका 23 से कितने बार कट गया, ये 6 बार कट गया। तो फाइनली अभी कितना आया, 60 आया, और 60 में मल्टीप्लाई कितने करना है, 5 से, तो 6 पंचे 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 300 आ गई। तो अभी तो केवल एक्स की वैल्यू निकली कि मतलब ए ने उसको कितने में क्रय किया था, ए ने उस वस्तु को कितने में क्रय किया था, ये आपका वैल्यू निकली। देन द डिफरेंस बिटवीन द लॉसेज इनकर्ड बाई ए एंड सी, ए और सी को कितना लॉस हुआ उनके बीच में आपको अंतर बताना है। तो सी ने तो भाई कहीं से कहीं तक लॉस नहीं हुआ, क्योंकि सी ने तो लाभ पर कमाया है, 12.5% का लाभ कमाया है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अच्छा बी से 12.5% के लाभ पर बेचता है और सी इसको 8% की हानि पर, हाँ बिल्कुल सी को हानि हो रही है, सी इससे क्या करता है 8% की हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि सी ने कितने में खरीदा। तो अब देखिए ए की वैल्यू तो कितनी होगी, 300, और 300 ए ने 300 में खरीदा था और इसने कितने 20% की हानि पर बेचा, तो 300 का 20% कितना हुआ, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल और 3 दूनी 6, यानी कि 60 रुपये की हानि हुई किसको, ए को। इनके जो हानि हुई उनका अंतर आपको बताना है। अब हम बात करते हैं कि सी को कितने की हानि हुई, तो अब सी ने पहले खरीदी कितने में, पहले तो आपको ये देखना है, तो सी ने खरीदी कितने में, तो 300, और 300 को आपको क्या करना है भाई, एक्स की वैल्यू हुई 80%, यानी कि 4/5, और 12.5% लाभ, यानी कि ये सी को बी ने बेचा था सी को, तो 12.5% यानी कि 112.5 अभी हमने निकाला था कितना था आपका, तो 9/8, तो सी ने ये खरीदा, तो सी ने कितने में खरीदा, तो इतने में तो खरीदा और कितने 8% की हानि पर बेचा, तो इसका 8% और निकाल दीजिए, इसका 8% और निकाल दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। किसकी हानि कितनी है, तो 8% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 8% 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, तो ये आपका आ जाएगा सी की हानि। तो अब देखिए 4 से ये 8 से 8 की कैंसिल, ठीक है, 25 5 से ये काट दीजिए, 5 6 30 0, 5 से 12 बार, 12 5 60, 5 से ये 5 बार, ठीक। और इसके बाद देखिए आपका 12 9 108/5 हो जाएगा, तो सी को कितने की हानि हुई, 108/5, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और कितना बचेगा, 3 5 6 30, यानी कि ये सी को जो हानि हुई वो हानि हुई 21.6 की। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, ए और सी की हानि के बीच में अंतर कितना है, वो अंतर आपको बताना है। तो अंतर देखिए भाई, अब आपको अंतर तो सिंपल है, माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, अंतर क्या आ जाएगा, तो आप 60 में से किसको माइनस कर दीजिए, 21.6 को माइनस कर दीजिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कि जहाँ आपके यूनिट प्लेस में 4 कहाँ आ रहा है, तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप 10 कर देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, 2 जाएगा 10 में से तो आपका 8 बचेगा, 3 जाएगा 6 में से तो 3 बचेगा, यानी कि 38.40 रुपये की क्या हो रही है, फाइनली हानि हो रही है। यानी कि इनके बीच के जो अंतर है, ए और सी के हानियों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 38.40 रुपये। आई होप बात आपको समझ में आ गई। देखिए ए ने किसी वस्तु को एक्स में खरीदा था 20% की हानि में, यानी कि बी को बेचा एक्स का 80% में, अब बी ने उस पर 12.5% का लाभ लिया, यानी कि बी ने सी को बेचा 112, यानी कि 80% ऑफ एक्स का 112.5% में। ये सी का क्रय मूल्य है, ये बी का क्रय मूल्य है, और ये ए का क्रय मूल्य, ये सभी के क्रय मूल्य, और ये डी का क्रय मूल्य है। डी का क्रय मूल्य फाइनली आपको दिया था 248.40 पैसे, तो हमने डी के क्रय मूल्य को बराबर करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली कि 300 रुपये, यानी कि ए ने 300 रुपये में खरीदा। अब अगर ए ने 300 रुपये में खरीदा और वो 20% की हानि उठाता है, तो ए की हानि कितनी हुई, तो एक्स 300 का 20%, यानी कि एक्स मतलब 300 का 20%, एक्स का 20%, तो 60 रुपये की हानि ए को हो रही थी। अब सी ने कितने में खरीदी, पहले हमने वो निकाला, तो एक्स से यानी कि 300 का
80% मतलब 4/5 और 112.5% मतलब होता है आपका, अभी हमने कन्वर्ट किया था 9/8, ठीक। और उसके बाद उसने 8% की हानि पर बेचा, तो 8% होता है 2/5। तो हमने देखा कि टोटल जो हानि हुई उसको 21.6 रुपए की हुई। 21.6 रुपए की हानि किसको हुई भाई, ये सी को हुई। तो ए और सी की हानि के बीच में अंतर निकालना था, तो माइनस किया 60 में से 21.6, तो 38.4 ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी पी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर ऑफ बी पी, बी पी की लेंथ आपको बतानी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा सिंपल शब्दों में कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी पर एक ऐसा बिंदु है, भुजा ए बी पर एक ऐसा बिंदु कौन सा है, पी। पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, भुजा ए बी पर पी यहाँ पर पी लिख लेना, पी एक ऐसा बिंदु है जिससे सी पी बराबर 11.2 सेंटीमीटर है और एंगल यानी कि कोण ए सी पी बराबर कोण बी के है। तो आपको बताना है कि बी पी की लंबाई क्या है, बी पी की लंबाई आपको बताना है, ब्लड प्रेशर की लंबाई आपको बतानी है कि कितनी है, बी पी की लंबाई आपको बतानी है कि क्या है। चलिए तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल की। अब मैं एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है। तो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, पहले तो ट्राइंगल ए बी सी बना लिया। अब हमें क्या क्या दिया है इस ट्राइंगल में, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है ए सी बराबर 8.4 सेंटीमीटर। तो ए सी आपके पास 8.4 सेंटीमीटर है, ये ए सी आपको दिया है 8.4 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, 8.4 सेंटीमीटर। इसके बराबर बी सी आपको कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो ये बी सी आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, पी कहीं ए बी पर एक बिंदु है। तो चलिए हमने पी यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया ए बी पर, पी पॉइंट हो गया ए बी पर। इस प्रकार है सच दैट सी पी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। सी पी मतलब अगर आप सी और पी को मिला दें तो सी पी की जो लेंथ है वो 11.2 सेंटीमीटर, ये सी पी। ये सी पी कितना है, तो 11.2 सेंटीमीटर है, ये सी पी की लंबाई हो गई, ठीक। साथ ही साथ एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल, एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी के, तो इस एंगल के ये बराबर, ये दोनों एंगल आपको बराबर दिए हैं, ठीक, ये दोनों एंगल आपको बराबर दिए हैं। तो आपको बी पी की लंबाई बतानी है कि बी पी की लंबाई कितनी है, यानी कि ये वाली लंबाई आपको बतानी है कि ये वाली लंबाई कितनी है, ये लंबाई आपको बतानी है कि कितनी है, ठीक है। अब किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो देखिए समझिए पहले चीज़ों को कि अब वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। चीज़ों को समझेंगे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए बीपी की लंबाई आपको बतानी है, आपको एसी दिया है, आपको बीसी दिया है, ठीक है, साथ ही साथ आपको सीपी दिया है और एक एंगल आपको यहाँ पर बराबर दिया है, एक एंगल आपको क्या दिए हैं, बराबर दिया है। तो अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, ए पी सी, और ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए बी सी, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। कैसे दिख गया हमें, तो देखिए ए पी सी ट्राइंगल में एंगल ए है और ए बी सी ट्राइंगल में भी एंगल ए है, मतलब दो एंगल कॉमन होगा, एक एंगल कॉमन हो गया, एक एंगल ये बराबर दिए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो भाई ट्रिपल ए से क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस में, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल में, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी एंड, और त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं भाई, ए बी सी लिया, तो ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में दो त्रिभुज लिए हमने, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी लिया पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ए सी पी लिया। अब आप यहाँ पर जरा देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए है
और त्रिभुज ए सी पी पे जो कोण ए है वो दोनों कैसे हैं, कॉमन है, दोनों में कैसे हैं ये कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ हो गए तो कोण बराबर हो गए, क्योंकि दोनों जगह एक कोण है, एक ही माप दोनों जगह बराबर होगी। फिर देखिए यहाँ पर कोण बी और कोण ए सी पी ये तो बराबर दिए हैं, तो कोण ए सी पी और कोण बी ये आपको कैसे दिए हैं, बराबर दिए हैं, ये तो गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण मतलब कौन सा, तो आप कहेंगे कि तीसरा कोण, देखिए एक कोण ये और एक कोण ये बराबर है इसके, तो ये तीसरा कोण ये वाला जो कोण है ये बराबर हो जाएगा इस पूरे कोण के, ये पूरे सी कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर हो गए वाई किससे, तो आप कहेंगे सर ये तीनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ठीक है, तो वाई ट्रिपल ए यानी कि कोण से ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी पी के। तो अगर ये समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। बिल्कुल डीपली अपन ने बिल्कुल ऐसे पढ़ा है ऐसे कक्षा 10 में पढ़ते हैं, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक बार क्लियर कर लेंगे फिर आप डायरेक्ट पेपर में बना सकते हैं, और हमें आपको डायरेक्ट बनाना भी अभी बताएंगे कि कैसे आपको डायरेक्ट करना है। तो देखिए अब ये सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। आप संगत भुजाएं कैसे देखेंगे, तो बराबर जो कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं देखते हैं। देखो ये वाला कोण मत लेना, देखो बेटा अगर आप ये वाला कोण ले लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए पी है और इसके सामने की भुजा ई है, तो सिर्फ इसे लेने से कोई मतलब नहीं है। जो जो भुजाएं आपको दी हैं आप वो लेना, यहाँ पर कोण ए लेना। तो अगर एक कोण ए में अगर छोटे त्रिभुज में बात करें तो भुजा कौन सी है, पी सी है, तो कोण ए में पी सी है। पी सी का अनुपात किस में बनेगा, बड़े कोण में भुजा, बड़े त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। तो इनकी संगत भुजाएं हो गई हैं, तो ये दोनों हमें दिए हैं, हमारे पास पी सी भी दिया है और बी सी भी दिया है, तो पी सी और बी सी दोनों दिया है इसलिए हमने उनका अनुपात लिया। अब हम आते हैं किस वाले में, तो अब आप देखिए कि आपको चाहिए इस वाले बराबर वाले के सामने की भुजा, यानी कि कोण ए पी सी के सामने की भुजा क्या है, ए सी। तो ए सी का अनुपात किससे बनेगा, तो आप देखिए बड़े त्रिभुज में ए सी भी यानी कि कोण सी के सामने की भुजा क्या है, तो कोण सी के सामने की भुजा आपके पास, अच्छा केवल आपको इतनी भुजा चाहिए, बी पी चाहिए। तो बी पी अगर आपको चाहिए है तो आपको फिर यहाँ पर एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, ए पी भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले तो हम ए पी निकाल लेते हैं, पहले हम क्या ए पी निकाल लेते हैं, यानी कि इस वाले कोण के सामने की भुजा निकाल लेते हैं जो कोण हमें गिवन है। ठीक है, जो कोण हमें गिवन है उसके सामने की भुजा निकाल लेते हैं, ए पी का हमें काम यहाँ पर लगेगा। तो देखिए हम कोण बी के सामने की भुजा कौन सी है, अगर हम बात करें छोटे त्रिभुज में अगर बात करें तो इसके सामने, पहले हमने छोटे त्रिभुज की लिखी है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ए पी, ए पी। और बड़े त्रिभुज में इसके सामने का कोण ए बराबर कोण बी है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, तो आपकी ए सी हो जाएगी। बड़े त्रिभुज में कौन सी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, तो बड़े त्रिभुज में आपकी ए सी हो गई। ठीक है, अब पहले से इन दोनों के माध्यम से देखिए, पी सी आपको दिया है, बी सी आपको दिया है, ए पी आपको नहीं दिया है, ए सी आपको दिया है। तो पहले तो आप क्या करिए, ए पी निकाल लीजिए, पहले आप क्या करिए, ए पी निकाल लीजिए। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट आपका और रह गया, तो अगर आप छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो आप कहेंगे सर ए पी यानी कि इस वाले के कोण के सामने की भुजा, यानी कि कोण पी के सामने की भुजा ए सी है। तो यहाँ पर भी ए सी हो रही है और वहाँ भी ए सी हो रही थी। चलिए तो पहले हम यहाँ से ए पी निकाल लेते हैं, फिर हम आपको एक बार और इसमें क्या करेंगे, यही अनुपात का थ्योरम कॉन्सेप्ट फिर से लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पी सी की वैल्यू कितनी है, तो पी सी की वैल्यू आप कहेंगे सर 11.2 है, बी सी की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 14 है, ए पी की वैल्यू कितनी है, तो ए पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और किसकी वैल्यू आपको, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 8.4 है, 8.4 है। ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या है, ये पॉइंट हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी ए पी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो ए पी की वैल्यू आपकी निकलेगी यहाँ से 112 यानी कि 11.2 इंटू 8.4 और इस पूरे के बटे में क्या रहेगा 14, इस पूरे के बटे में क्या रहेगा 14। तो अब आप यहाँ से काट सकते हैं
दशमलव से दशमलव बाद में कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बटे में क्या ला दीजिए, 100 ला दीजिए, फिर बाद में 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। 14 सत्य नहीं होगा, 7 से आप काट सकते हैं, 7 से कट जाएगा दो बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्य 84 हो गया, 2 से ये कटेगा, 2 पाँच 10, 2 छिंग 12, तो 12 छिंग 72 की 2 हासिल में 7 आएगा, 12 पंचे 60 और 7 67, और 100 से भाग देंगे तो 6.72। ये आपकी अभी ए की ई की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, ए पी की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी ए पी की वैल्यू निकली है, हमें बी पी चाहिए, तो आप बी पी कैसे लेंगे, आप देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात लेंगे इस वाले कोण के सामने की भुजा और इस वाले कोण के सामने की भुजा, यानी कि कोण सी के सामने की भुजा ए बी, अब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें से ए पी माइनस कर देंगे तो बी पी आ जाएगा, ठीक, और बाकी अनुपात यही चलने दीजिए, ठीक है। पी सी अपन बी सी कर दीजिए और उसमें आप क्या लीजिए, ए वाला कोण ले लीजिए, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं पी सी अपॉन बी सी, यानी कि ये दो भुजाओं का अनुपात जो गिवन है। अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इस वाले कोण P के सामने की भुजा यानी कि ए सी और कोण C के सामने की भुजा यानी कि ए बी, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। पी सी की वैल्यू अभी हमने लिखी कितनी आई थी भाई, 11.2 हमारे किसकी, पी सी यानी कि सी पी की वैल्यू है। बी सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 14 है। ए सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8.4 है। और ए बी की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर ए बी निकालने के लिए आपको 14 में का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 14 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में कितना जाएगा, 11.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है भाई, 7 एकम 7 और 4 बच्चे का 7 छिंग 42, तो ये बिल्कुल 14 से कट रहा है, 7 से दो बार कट गया, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, ठीक। फिर ये आपका 6 से 2 से कट रहा है 8 बार, तो 8 बार काट दीजिए, 4 से 2 बार, तो 4 से ये आपका 2 बार, 4 से 1 बार, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 10.5, तो आपके ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5, ए बी की वैल्यू 10.5 आ गई। आपके पास ए की पी की वैल्यू 6.72 है, अब बी पी की वैल्यू निकालनी, तो बी पी कैसे निकलेगा, बी पी आपसे पूछा गया है, तो आप ए बी में से ए पी माइनस कर दीजिए तो बी पी आ जाएगा। तो अब हमें बी पी निकालना है, तो बी पी कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर ए बी, ए बी माइनस ए पी कर दीजिए, ए बी माइनस ए पी, ए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10.5 अभी हमने निकाली, 10.5 में से क्या माइनस करना है, ए पी की वैल्यू कितनी है, 6.72, तो भाई माइनस कर दीजिए 10.5 में से, यानी कि इसको जीरो और लगा दीजिए, 6.72 माइनस कर दीजिए। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 8 जाएगा 15 में से तो 7 बचेगा, 0.7 जाएगा तो 3.78 ऑप्शन आपको दिख रहा है ए, ऑप्शन आपको दिख रहा है ए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो गया, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको सारी समझ में आई होगी, किस तरीके से करना है, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है, काफ़ी डीप बताया है आपको चीज़ों को, और इसी तरीके से आप चीज़ें बनाना सीखिए, फिर आप पेपरों में जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए आपको सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है, सिमिलरिटी में एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोण जो है सिमिलर हैं, बराबर हैं, उनके सामने की भुजाओं का अनुपात ही बनता है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये जो कोण था ये बराबर था कोण सी के, तो इसके सामने की भुजा अगर ए सी है तो इसका अनुपात किससे बनाओगे आप, ए बी से बनाओगे, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में अगर हम बात करें ए पी सी में, और बड़े वाले त्रिभुज में बात करें ए बी सी में, तो आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई किस तरीके से आंसर निकाला, तो आपका आंसर ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।